अशराफ, अजलाफ, अरजाल, इस तरह से, तो इस डिवीजन को या इस पूरे मुद्दे को आप कैसे समझते हैं, क्या मानते हैं? जातीय स्ट्रक्चर जो भारत के मुसलमानों के अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये जातीय स्ट्रक्चर खासतौर से अगर हम बात करें, ये इस्लाम की उपज नहीं है। ओवरऑल मैं कह रहा हूँ भारत के बाहर भी, क्या सैयदों को ऊपर माना जाता है, नहीं माना जाता? नहीं, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर कि ये ऊपर होगा ये नीचे होगा। ये मुसलमान जो है इनको पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इल्म देना कुत्ते सुअर के गले में मोतियों का हार डालने जैसा है, या इस तरह की बातें जो लिखी हैं, या इंसानों के जरिए पैदा की गई ये बीमारी है? कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें जायज है हम उसको तस्लीम करते हैं, चाहे वो सैयद हों, चाहे अशराफ के हों, चाहे अरजाल। वो रत्ती भर अगर गैर बराबरी उनके जहन में है, दिमाग में है, प्रैक्टिस में है, तो मजहब इस्लाम के दायरे से बाहर। पर्सनल लॉ बोर्ड ही क्यों ना हो, उसकी लीडरशिप में भी अपर कास्ट ही मिलते हैं। हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अंदर, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अंदर खास तौर से अपर कास्ट है, बैकवर्ड है, इस आधार पे नहीं जोड़ते। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी इसलिए निशाना बनाती है इस्लाम और मुसलमानों को कि ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण हो। कोई ऐसा तबका, ऐसा कोई सेक्शन है जो मुसलमानों के अंदर भी है जो उनकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है? कोई भी कौम हो, हर कौमों के अंदर मुनाफिक होते हैं, यानी गद्दार होते हैं, जो आरएसएस के बनाए गए ब्लूप्रिंट पे काम करते हैं। मोहन भागवत दिल्ली के मदरसे में जाते हैं, मौलाना इलियासी जैसे लोग बोलते हैं कि मोहन भागवत देश के ही नहीं दुनिया के राष्ट्रपिता हैं। तो भारत में 3.5% तादाद में जो मनुवादी लोग हैं, उनके अकाउंट में न कल वोट था, न आज है, न भविष्य में है। तो कभी इस मुल्क में मुसलमानों की तहजीब को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पे बिल बनाए जाते, कानून बनाए जाते, और यहाँ तक कि हिजाब पर पाबंदी आयत करने की बात करते। एजुकेशनल जो स्टेटस है मुसलमानों का, बैकग्राउंड है जो आज का है, कि सच्चर कमीशन की सिफारिश के आधार पे SC ST से भी बदतर आज भारत के मुसलमान दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। बांध सेफ के 40वें अधिवेशन के मौके पर हमारी टीम आई हुई है नागपुर, और इस नागपुर की खास जो ये अधिवेशन है, इसमें कई तरह के ऑफशूट संगठन यहाँ पर, उससे जुड़े हुए डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, और उनकी विंग्स जो हैं, जो प्रमुख विंग हैं, उनके सभी प्रमुख पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के चीफ चांद मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया चांद साहब, आपसे हमारी बातचीत इस मौके पर इसलिए ज़रूरी भी थी कि क्योंकि इस वक्त देश में एक तरीके का ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, इस दौर में जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें एक भय व्याप्त है बहुत सारी चीज़ों का, तो उस सारी चीज़ों को आप लोग किस तरीके से उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, उनको किस तरीके से संगठित कर रहे हैं? पूरे देश भर में आज ख़ासतौर से अगर हम बात करें, भारत की एक बड़ी आबादी है जो ईमान, इत्तेहाद, मसावात को मानने वाली है मुसलमानों की, और लगातार पिछले कहा जाए 1 दशक से कुछ ज़्यादा मसाइल इनके बीच में खड़े किए जा रहे हैं, और उन मसाइल के पीछे जो असल वजह है उसके पीछे इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत का मुद्दा नहीं जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेसी में नंबर साफ वोट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो रूल है, जिसके अकाउंट में नंबर साफ वोट होंगे वो रूलर होगा। तो भारत में 3.5% तादाद में जो मनुवादी लोग हैं, उनके अकाउंट में न कल वोट था, न आज है, न भविष्य में है, और 3.5% तादाद के लोग कभी भी अपने संख्या के बल पे वो गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते, देश की पंचायत पे तो काबिज होने की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए आरएसएस ने ख़ासतौर से अपनी आइडियोलॉजी का प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एजेंडा, और अपने लिटरेचर का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया वो इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत का बनाया, और उसके पीछे मात्र एक ऑब्जेक्टिव है, भारत के OBC SC ST का धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता में ले जाना। और इसके लिए, पोलराइजेशन के लिए, मुस्लिम रिलेटेड इश्यूज उन्हें उठाने पड़ते हैं,
और मुस्लिम रिलेटेड इशूज़ के लिए वो इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं जिससे हम नहीं कह सकते कि भारत के लोग नावाकिफ है। पूरे देश में कभी लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है, तो कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को मारा जा रहा है, तो कभी गौकसी के नाम पर पहलू खान मारे जाते हैं, 1 लाख मारे जाते हैं, तो कभी इस मुल्क में मुसलमानों की तहजीब को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पे बिल बनाए जाते, कानून बनाए जाते, और यहाँ तक कि हिजाब पर पाबंदी आयत करने की बात करते, और यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि कभी नमाज कभी अजान पर पाबंदी आयत करने की बात लगातार की जा रही है। भारत के संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार है, फंडामेंटल राइट का हिस्सा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार होने के बावजूद जिस तरह से एक तबके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। डेमोक्रेसी में जो कम संख्या के लोग हैं वो लंबे समय तक रूलर कैसे बने रहे, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लगातार मुस्लिम रिलेटेड इश्यूज को भारत में खड़े किए जाते हैं, और यहाँ तक कि नबी के शान में गुस्ताखी जैसे भी मसाइल भारत में खड़े किए जाते हैं। तो ये ग्रास रूट पे खासतौर से मुसलमानों के अंदर तरबियत करने की जरूरत है, उन्हें भारत के डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको लेकर अवेयर हम लोग कर रहे हैं, और इस अवेयरनेस से आने वाले दिनों में भारत के मुसलमान भारत में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और दुनिया के आम इंसानों के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें होती है, उन बुनियादी ज़रूरतों को दुनिया के हर मुल्कों ने अपने देश के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए और नागरिकों की उन्नति के लिए उन्होंने जो दस्तूर बनाए, संविधान बनाए, उस संविधान में जो उन्होंने उन्हें स्पेशल राइट्स दिए, उस स्पेशल राइट्स की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों के आज जो रह रहे नागरिक हैं वो तरक्की कर रहे, उन्नति कर रहे हैं। लेकिन भारत में रह रहे, भारत की एक बड़ी आबादी है, तकरीबन आज के तारीख में 20% मुसलमानों की आबादी है, तादाद है, ये 20% तबके के लोग डेमोक्रेसी के बारे में इलिटरेट हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में इलिटरेट हैं, और इलिटरेसी का जो मेन वजह है एजुकेशनल जो स्टेटस है मुसलमानों का, बैकग्राउंड है जो आज का है कि सच्चर कमीशन की सिफारिश के आधार पे SC ST से भी बदतर आज भारत के मुसलमान दिखाई देते हैं, और गवर्नमेंट के ये आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों को कितना बदतर बनाया 75 साल की इन सरकारों ने, कांग्रेस और BJP के लोगों ने मिलकर। तो इसलिए इन मसाइल पे हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जड़ में कौन लोग हैं, इसकी जड़ में एक खास किस्म की आइडियोलॉजी है जो RSS की आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी इसलिए निशाना बनाती है इस्लाम और मुसलमानों को कि ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण हो, और धार्मिक ध्रुवीकरण के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए देश भर में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जाता है। ये असल वजह है मुसलमानों को आज के दौर में लगातार निशाना बनाना अलग अलग मुद्दों पर। आपने कहा कि एक विशेष आइडियोलॉजी है जो कि इस काम को, इस विवाद को लगातार पैदा करती है, जिससे कि उसका जो डेमोक्रेसी और वोट का जो उसका जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाए इसके लिए। ये एक तरफ से आप RSS और उसकी बात कर रहे हैं, क्या यही चीज़ कोई ऐसा तबका, ऐसा कोई सेक्शन है जो मुसलमानों के अंदर भी है जो उनकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, उनको दूसरी तरफ से भी उनको बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग या बैटिंग कर रहा है? हर कौमों में हमेशा मुनाफिक हुए हैं, कोई भी कौम हो, हर कौमों के अंदर मुनाफिक होते हैं यानी गद्दार होते हैं। तो हमारे भी कौम के अंदर कुछ ऐसे मुनाफिक हैं जो RSS के बनाए गए ब्लूप्रिंट पे काम करते हैं, और ब्लूप्रिंट पे काम करने वाले लोग मोहन भागवत दिल्ली के मदरसे में जाते हैं, मौलाना इलियासी जैसे लोग बोलते हैं कि मोहन भागवत देश के ही नहीं दुनिया के राष्ट्रपिता हैं। तो मौलाना इलियासी के राष्ट्रपिता हो सकते हैं मोहन भागवत, और मौलाना इलियासी और मोहन भागवत का DNA और उनके पुरखों का DNA एक हो सकता है, इसलिए मौलाना इलियासी के मोहन भागवत राष्ट्रपिता हो सकते हैं, उनकी नजर में हो सकते हैं, लेकिन देश के मूलवासी मुसलमानों के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। और इस तरह से मुसलमानों का, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए
आरएसएस ने जो एक विंग बनाई, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाई, जिसका चीफ है इंद्रेश कुमार, जो आरएसएस का सह सर संचालक है, और उसके जरिए खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना और रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए, जो दंगे और फसादात के लिए वो ओबीसी एससी एसटी का इस्तेमाल कर रहे थे, आज बम से भारत मुक्ति मोर्चा और उसके आपसूट संगठनों की वजह से भारत में आज ओबीसी एससी एसटी के लोग दंगे के लिए आरएसएस बीजेपी के मिल नहीं रहे हैं। इसलिए वो आज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके, देश में फसादात करके, वो धार्मिक ध्रुवीकरण के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उसकी एक घटना जो है, नुपुर शर्मा के बयान के बाद, नबी के शान में गुस्ताखी के बयान के बाद, जब पूरे देश और दुनिया में नुपुर शर्मा और बीजेपी की मजम्मत होने लगी, निंदा होने लगी इस घटना के बाद, तो उस घटना पे पर्दा डालने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दो मुसलमानों को, हम उन्हें मुसलमान नहीं कह सकते, मुसलमान होते तो कुरान और हदीस की रोशनी में एक आम इंसान का वो कत्ल नहीं करते, एक बेगुनाह इंसान के गिरेबान पे हाथ ना डालते। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों को मिसगाइड करने के लिए और मुसलमानों के लिए के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने बनाया। इसलिए राजस्थान के उदयपुर जिले में इस घटना पर, खासतौर से नबी के शान में गुस्ताखी के बयान के मामले में पर्दा डालने के लिए उन्होंने एक ओबीसी के टेलर की हत्या करा दी, लाइव मर्डर कराया। तो ये चीजें साबित करती है कि आज के तारीख में आरएसएस को ढूंढने से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग मिल नहीं रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अलग अलग संगठनों का जाल बनाया और मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाले और मुसलमानों के खिलाफ मसाइल खड़ा हो, ऐसे भी कुछ लोग मुनाफिक काम कर रहे हैं। ऐसे मुनाफिकों के बारे में खबरदार करने के लिए और उनके चेहरे को बेनकाब करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जमीनी सतह पे काम कर रहा है। आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तहत, जैसे आपने जितनी बात रखी, या आप जिस इंटेंशन से बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा, ये सारे प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, आपकी ही तरह क्या ये जो दूसरे बाहर जो तमाम ऐसे मौलाना लोग हैं, उनमें और आपकी बातचीत में क्या फ़र्क है? अगर पूरे भारत में अगर हम आलिमों की जमात की बात करें, तो आलिम बेहतर तरीके से जिस मकसद के लिए वो तालीम हासिल किए और दीनी तरबियत के लिए लगातार मुसलसल तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो बताया, मौलाना इलियासी जैसे चेहरे हैं जो पूरे कौम पर धब्बा बन के पैदा हुए और पूरे कौम के लिए धब्बा है, तो ऐसे जो चेहरे हैं वो मुसलमानों के लिए ज्यादा खतरनाक है, आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये बात जैसे एक इशू लगातार अभी पिछले कुछ समय से खासतौर पे डिस्कशन में आया है, और काम तो हालांकि उससे पहले भी मौलाना आसिम बिहारी के समय से, और बाद में आज ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज जो अलग अलग कई दो तीन तरीके के संगठन है उसके बने हुए, उनकी ओर से, जैसे आपके बिहार में पूर्व सांसद जो हैं, क्या नाम है उनका, अनवर साहब जो हैं, उन्होंने एक मसावाद की जंग किताब भी लिखी, जिसके बाद ये एक डिस्कशन ज़्यादा तेज हुआ कि पसमांदा मुस्लिम समाज जो है, क्योंकि भारत की जो सोसाइटी है वो कास्टियस सोसाइटी है, कास्ट में बटी हुई, और इसका असर मुस्लिम समाज जो कि धार्मिक तौर पे, क्योंकि वो इस चीज़ की मान्यता नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम ऑपरेट करता है, उसी तरीके से एग्जैक्टली करता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन करता है। और जो पसमांदा समाज है वो मूल निवासी है, उनका मानना ये है कि देशद मुसलमान है, इसी धरती का है, और कुछ विदेशी मुसलमान भी हैं, जो कुछ ऐसी नस्लें हैं जो कि विदेशी हैं, जिसमें अपर कास्ट वहाँ पर भी ऑपरेट करता है, वो उसको इस रूप में डिस्क्राइब करते हैं, अशराफ, अजलाफ, अरजाल, इस तरह से। तो इस डिवीजन को या इस पूरे मुद्दे को आप कैसे समझते हैं, क्या मानते हैं? हम इस मुद्दे के सिलसिले में कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने मसावात की जंग नाम की किताब लिखी, नबी करीम और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल जो किताब है, जो अजीम किताब, कुरान पाक जैसी अजीम किताब है,
और नबी की सीरत को अगर हम उठा के पढ़ें तो पूरे दुनिया में इस्लाम मसावात को कायम करने के लिए ही आया, गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए आया। और हमारे पास मसावात को अमली तौर पे और ज़मीनी सतह पे अमल में लाने के लिए जो सबसे बड़ा हमारे पास दस्तावेज है और सबसे बड़ी जो विरासत है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान पाक जैसी अजीम किताब है। वो अमल में लाया जाए, वो प्रैक्टिस में लाया जाए, उसकी चर्चा हो, जो कुरान की बेसिक तालीमात है, बुनियादी तालीमात है, उसकी चर्चा होनी चाहिए और उसी के बुनियाद पर भारत के सारे एक कलमे के बुनियाद पर ईमान लाए हुए मुसलमानों की तरबियत होनी चाहिए। और तरबियत होने से जो चीज़ें हैं ख़ास तौर से भारत के मुसलमानों के अंदर जातीय स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, पहले तो ये क्लियर करिए है या नहीं है, जातीय स्ट्रक्चर जो भारत के मुसलमानों के अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये जातीय स्ट्रक्चर खासतौर से अगर हम बात करें ये इस्लाम की उपज नहीं है, ना कुरान की उपज है, ना कुरान के अंदर से ये चीज़ें आई है और ना ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रवायतों की अगर बात करें तो ना उसके अंदर से ये चीज़ें निकल के आई है। ये चीज़ें इंसानों के जरिए पैदा की गई है, ये खुदा के जरिए ये चीज़ें इंसानों ने नहीं आई। तो इसके लिए खासतौर से भारत में जो इस्लाम आने का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो या तो तिजारत करने वाले लोगों के जरिए इस्लाम भारत की सरजमी पे आया या तो औलिया इकराम के जरिए आया। ना आने के पहले भी भारत में लोग थे, ना आने के पहले भी भारत में लोग थे, वो ओबीसी थे, वर्तमान के एससी और माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत आज हैं, ये कल वर्णा सिस्टम में थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में थे, हजारों जाति के टुकड़ों में तकसीम किए गए लोग थे। जब ये इनकी अलग अलग पहचान थी और अलग अलग पहचान के लोग अगर एक कलमे के बुनियाद पर ईमान लाए तो जिस दिन उन्होंने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम पढ़ा उसी दिन से उनकी मुकम्मल पहचान मुसलमान की हो गई। उसके बाद जो चीजें अगर भारत के मुसलमानों में जातीय स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुछ सातिर और साजिश करने वाले और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के जरिए ये फितने पैदा किए गए हैं। इसके बारे में भी हम मुसलमानों को अवेयर कर रहे हैं और इसके बारे में खास तौर से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अंदर जो आलिमे दीन की जमात है वो कुरान और हदीस की रोशनी में कौम की तरबियत कर रही है और उन्हें जानकारी दे रही है इन तमाम मुद्दों। जैसे ये बात ठीक है कि भारत में क्योंकि वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम रहा है, लेकिन ये बात तो ऑलरेडी पहले से इस्लाम में इस बात के लिए स्पेस रहा ना, जैसे सैयदों को ऊंचा माना जाता है, ये बात तो सच है ना। ये जो बैकग्राउंड है भारत में दिखाई देता है, सैयद नहीं, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ भारत के बाहर भी क्या सैयदों को ऊपर माना जाता है, नहीं माना जाता? नहीं, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस्लाम के अंदर कि ये ऊपर होगा ये नीचे होगा। सैयद ज़्यादा अपर हैं इस बात को लेके, जो भी ऐसे मरकज हैं जिनकी किताबें हैं, जिन्होंने जो ऐसे आलिम दीन रहे हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जिनको अभी मसूद आलम फलाही, प्रोफेसर मसूद आलम फलाही ने अभी भारत में जात पात और मुसलमान जी, इसके विषय में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का हवाला दिया है कि इस किताब में ये लिखा है कि इन ये मुसलमान जो है इनको पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इल्म देना कुत्ते सुअर के गले में मोतियों का हार डालने जैसा है, या इस तरह की बातें जो लिखी हैं, या कि सैयद लड़की का निकाह इससे नहीं हो सकता, फलानी बिरादरी में नहीं हो सकता, नीचे उनमें नहीं हो सकता, ऐसी किताबों को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का भी डिस्कशन कर रहा है ऐसी क्योंकि ये तो स्थापित होने वाली चीज़ है। खास तौर से जो चीज़ें, जैसे जो कंटेंट उन्होंने डाली, ये व्यक्ति इंसानी उपज है, इंसानों के जरिए पैदा की गई ये बीमारी है, तो हम इन तमाम बीमारी को दरकरार करते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें जायज है हम उसको तस्लीम करते हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से जुड़े हुए अफराद इस बात को तस्लीम करते हैं, वो चाहे भले ही सैयद ही क्यों ना हो। हाँ, वो भी यही मानते हैं कि ऐसा ये गैर बराबरी नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली भारत के अंदर जो स्ट्रक्चर है अगर वो गैर बराबरी को मानते हैं
चाहे वो सैयद हो, चाहे अशराफ के हो, चाहे अरजाल हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े मुस्लिम हो, अगर हम इसकी बात करें, वो रत्ती भर अगर गैर बराबरी उनके जहन में है, दिमाग में है, प्रैक्टिस में है, तो मजहब इस्लाम के दायरे से बाहर है। मैं ऐसा ही मानता हूँ। उन किताबों को भी आप इस्लाम से बाहर मानेंगे जिसमें किसी आलिम जी जो जी जिन्होंने इस तरह के कंटेंट लिखे, हम उनको भी इस्लाम के दायरे से बाहर मानते हैं। ऐसे कोई कंटेंट का किसी किताब का जिक्र आप जिसमें इस तरह की अभी तो मैंने फिलहाल ऐसी चीजें अभी नोटिस कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोग, और नोटिस करने के बाद जो चीजें आएंगी हम लोगों के सामने लाएंगे उसको। जैसे प्रोफेसर फलाही ने जो किताब लिखी है उस किताब के हवाले से जो उन्होंने रेफरेंस दिए हैं उनको भी क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उनको संज्ञान में लेके उनको कुछ? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोग उनकी किताबों को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद वो सारी चीजें और जिन किताबों में ये बातें लिखी गई है उन किताबों को भी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद हम उस बैकग्राउंड पे काम करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसी चीजें निकलती हैं उन किताबों में, तो जैसे बाबा साहब ने एक समय ऐसे कंटेंट अगर सामने आते हैं तो हमारे पास क्या करना है, ये गाइड करने के लिए कुरान है और हदीस है, इससे अलग इतर नहीं हो सकता। ये गैर बराबरी स्थापित करने वाली जो किताब है, इस्लाम बराबरी को स्थापित करने के लिए दुनिया में आया, और मैंने कहा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा अगर ऐसा कंटेंट है और ऐसा कंटेंट राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नोटिस कर रहा है, उस पर गहराई से स्टडी कर रहा है, और गहराई से स्टडी और अध्ययन करने के बाद हम इस पर जो है एक बड़ा ऑल ओवर इंडिया में 17 स्टेट में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, ऑल ओवर इंडिया में इस पर काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे बाबा साहब ने एक समय मनुस्मृति का, आज के दिन ही 25 दिसंबर को जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, मनुस्मृति दहन दिवस आज मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति का, क्योंकि गैर बराबरी को स्थापित करने वाली पुस्तक है वो। ऐसी पुस्तकें अगर इस्लामिक दायरे में पाई जाती हैं तो क्या उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार करने की संभावना है? ऐसी अगर चीज़ें निकल के आती हैं, नोटिस में आती हैं, जो मनुस्मृति के मुताबिक गैर बराबरी की बात करने वाली चीज़ें हैं, जो कुरान और हदीस के दायरे के बाहर की चीज़ें हैं, हम उस ऐसी किताबों को जलाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे, बहुत दिलचस्प आपके साथ बातचीत हो रही है चांद मोहम्मद जी, हमारे सवालों का बड़ा कड़ाके से जवाब दे रहे हैं इस वक्त। मैं पिछले दिनों सुन रहा था विलास करात साहब का एक भाषण था, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जो मौजूदा जो यहाँ के ज़्यादातर जो मुसलमान हैं वो पुराने बौद्धिस्ट हैं, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी क्या इसी रूप में ही लोगों के बीच में बात करता है कि हम हमारे यहाँ के जो मुसलमान वो पुराने बौद्धिस्ट हैं? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जैसे क्या है कि ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पे कि कोई भी अगर जो है वस्तु है तो उसका कोई ना कोई बुनियाद है, नींव है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पे भारत में आरएसएस के लोग तो काल्पनिक जो चीज़ें हैं, काल्पनिक इतिहास के जो उन्होंने सिलेबस तैयार किए और काल्पनिक जो चीज़ें उन्होंने लिखी उसमें तो इस मुसलमानों को विदेशी मानते हैं। भारत में मुसलमान विदेशी नहीं है, साहित्यिक आधार पे, भाषा के आधार पे, और यहाँ तक कि जो चीज़ें अगर हम बात करें तो डीएनए के आधार पे भारत में लोग मूलनिवासी हैं। तो ये जो संकल्पना डाली जा रही है, खासतौर से आरएसएस के जरिए ये संकल्पना डाली जा रही है, तो ये जो संकल्पना है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और जो रियल हिस्ट्री है, जो वास्तविक इतिहास है, और जहाँ से हम लोग निकल के आए, मुसलमानों के अंदर जो जाति पाति की व्यवस्था थी, या जो मुसलमान हैं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जातीय स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग थे, आज निकल के आए, और उसके पहले हमारा क्या स्ट्रक्चर था, हमारे पुरखे कौन थे, तो ये हिस्टोरिक हिस्ट्री का जुड़ा हुआ मामला है, ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत के सारे मुसलमान पूर्व के हिंदू है, हिंदुओं से कन्वर्ट है, तो भारत के मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट नहीं है, भारत के मुसलमान बौद्धों से कन्वर्ट है। दूसरी चीज, भारत के मुसलमान उस संस्कृति को मानने वाले हमारे मुसलमानों के पुरखे थे जो मसावात को मानते थे, इत्तेहाद को मानते थे, भाईचारा को मानते थे, इंसाफ को मानते थे। जब उन पर ब्राह्मणत्व थोपा जाने लगा
तो ब्राह्मणत्व के विद्रोह में उन्होंने इस्लाम की जब रोशनी आई भारत की सरजमी पे, मसावात की, इत्तेहाद की, भाईचारे की, दोबारा उन्होंने उस सिस्टम को देखा जिसमें हमारे पुरखे जी रहे थे, इसलिए बड़े पैमाने पे मुसलमानों ने इस्लाम को अपनाया। जैसे पहले बिल्कुल बेशक बेशक। तो इस एक्सेप्टेंस में अगर बात करें तो क्या वो रिवर्ट नहीं हो सकते थे बौद्धिस्ट में, या आज नहीं हो सकते? रिवर्ट नहीं हो सकते, उस समय जो बुद्धिज्म का स्ट्रक्चर था, बुद्धिज्म का दृष्टिकोण, जो कल्चर रहा, वो पूरी तरह से भारत में ख़त्म कर दिया गया। और इस्लाम के जो चीज़ें हैं, अगर हम बात करें, स्टडी करें, तो अभी नदवे की अगर बात करें तो नदवे में मुस्लिम स्कॉलर है अंजुम फराज साहब, उन्होंने इस्लाम और बुद्धिज्म पर कंपरेटिव स्टडी किया, और स्टडी की हुई जो उनकी किताबें हैं आज थाईलैंड कंबोडिया में पीएचडी स्कॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों के डिफरेंस, जो सिमिलर चीजें दिखी, सिमिलर चीजें दिखी, कंपैरेटिव उन्होंने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद जो सिमिलर चीजें दिखी, सिमिलर चीजें दिखने की वजह से बड़े पैमाने पे इस्लाम को उन्होंने अडॉप्ट किया। अभी कोई ऐसा सिनेरियो है कि कुछ मुसलमान बौद्धिस्ट हो रहे हैं या कुछ बौद्धिस्ट मुसलमान हो रहे हैं? ऐसा भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई सिंगल ऐसा उदाहरण नहीं सामने आया। ना वो इधर जा रहे हैं ना वो उधर जा रहे हैं, मतलब हम कॉमन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई हमारी जो प्रैक्टिस है, उनकी जो प्रैक्टिस है वो अपनी प्रैक्टिस पे करें, उनकी जो तहजीब है वो अपनी तहजीब पे काम कर रहे हैं, हमारी जो तहजीब है हम अपनी तहजीब पे काम कर रहे हैं, तो हम कॉमन मुद्दों पे एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जैसे दलित मुसलमानों की बात कही जाती है, क्योंकि शब्द पसमांदा आंदोलन की तरफ से ये बात आती है, दलित मुसलमान उनका वर्ड है, क्योंकि मुसलमानों को संवैधानिक तौर पर उनमें अपर कास्ट है, संवैधानिक तौर पर जनरल अपर कास्ट से मतलब जनरल हैं, उसमें ओबीसी हैं, उसमें एसटी भी हैं, लेकिन एससी नहीं है उसमें। तो ऐसा भी क्योंकि ये बहस अभी विमर्श आया है इस तरीके से कि बहुत सारे ऐसे अनटचेबल हिस्से हैं जिनको एससी का दर्जा मिलना चाहिए, और वो किसी संवैधानिक वजह से वो रुक गया है 341 की वजह से। तो इस मुद्दे पर आपका क्या पोजीशन है? आर्टिकल 341 को लेकर हम लोग अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, और आर्टिकल 341 में खासतौर से मुस्लिम और क्रिश्चियनों को शेड्यूल कास्ट के दायरे में, जो इस शेड्यूल कास्ट से कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, हाँ, उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये बातें लिखी गई, ये कंटेंट लिखी गई। तो इन फ्यूचर में जब हमारे विचारों पर आधारित लोग जो है सत्ता में आएंगे, तो हम 341 आर्टिकल पे भी काम करेंगे और उसे हटाएंगे, और जो पिछड़े हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर अगर हम बात करें, संविधान के आधार पे जो पिछड़ेपन का क्राइटेरिया निर्धारित है, और उस क्राइटेरिया और उस परिभाषा के आधार पे जो लोग पिछड़े हैं, उन पर हम लोग रिजर्वेशन के भी जो वकालत और उस मुद्दों पर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंडल कमीशन की सिफारिशों में जस्टिस खास तौर से अगर हम बात करें विंध्योसरी प्रसाद मंडल जी के नेतृत्व में जो मंडल कमीशन का सर्वे आया, तो सेंसर में भारत की 98% जो मुस्लिम जातियां हैं जो ओबीसी के दायरे में आती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल 79 जातियां ओबीसी में शामिल हैं, 79 जातियों में 27 मुस्लिम जातियां ओबीसी के दायरे में आती हैं। तो मंडल कमीशन के आधार पे, सिफारिशों के आधार पे, खास तौर से मुसलमानों को 27% जो है जो ओबीसी को रिजर्वेशन है उस दायरे में, उन 27 जातियों को उत्तर प्रदेश की और इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में लागू है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज में भी इन जातियों को अधिसूचित किया जाए, कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने अधिसूचित किया है, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया नहीं। तो ये जो मामला है कि मंडल कमीशन में जो शामिल मुस्लिम जातियां हैं वो हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में रिकॉग्नाइज की जाए, ताकि
वो जातियों को 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। दूसरी चीज, हम पासमानदा के आधार पे सेग्रीगेट होके लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, और ना ही जो बैकवर्ड मुस्लिम है उन्हें इस बेस पर लड़ाई लड़ना चाहिए, बल्कि ओबीसी के नाम पर उन्हें लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ओबीसी ऐसे ही 52% नहीं है। उस 52% में 14.99% मुस्लिम ओबीसी जातियां शामिल है, तब वो 52% है। तो अगर 52% के आधार पे 1931 की जनगणना के आधार पे आज आबादी ज्यादा हो चुकी है, 62% है, तो इसलिए देश भर के जो हमारे पासमानदा तबकात के मुस्लिम साथी है, मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूं, हमें थोड़े पे लड़ाई लड़ने के बजाय, हम ओबीसी है, एक पहचान हो गई है, एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है, एक सर्वे हो चुका है, उस सर्वे के आधार पे अगर भारत में ओबीसी के आधार पे अगर रिजर्वेशन लागू किया जाए जनसंख्या के अनुपात में, तो 62% रिजर्वेशन होगा, और उन 62% के रिजर्वेशन में जो बैकवर्ड जातियां हैं, मुस्लिम जातियां हैं, उनको सबसे बड़े पैमाने पे बेनिफिट होगा। तो ये बात तो आपकी बात से कंट्रेडिक्ट कर रही है थोड़ा, कि जैसे अगर आप एक कम्युनिटी बतौर आपने संगठन बनाया है मुस्लिम मोर्चा, तो जब एससी एसटी ओबीसी अगर उसकी बात करें तो वो तो डिवाइडेड ऑलरेडी है, कि कौन है ओबीसी है तो मुसलमानों के भी ओबीसी हैं, तो वो तो उस ओबीसी में शामिल हो जाएंगे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा में उनको शामिल होना चाहिए, विकास पटेल जी के संगठन में उनको होना चाहिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा में, ऐसे है नहीं, और ऐसी जो एसटी आदिवासी वाला संघ है उसमें एसटी मुसलमानों को जाना चाहिए, उसमें उनको शामिल होना चाहिए, ऐसे ही अब बचे वो लोग जो कि जिनको एससी का दर्जा नहीं मिला। मैं सीधे सीधे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो 341 हटने के पक्ष में आप हैं या नहीं है? 341 हटने से सबसे बड़ा बेनिफिट जिनको जो है समाज व्यवस्था के ढांचे में लंबे समय से पीछे धकेल कर रखा गया है, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, और उससे भी बड़ा, हाँ उससे भी बड़ा बेनिफिट होगा कि इस देश में संख्या के अनुपात में जिस जाति की जितनी जाति है, तो कास्ट सेंसर भी भारत के मुसलमानों के लिए जरूरी है। कास्ट सेंसर का भी भारत के मुसलमानों को खास तौर से समर्थन करना चाहिए, उससे सोशल जस्टिस कायम होगा जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। मतलब आपका कहना यह है कि 341 हटना चाहिए और जो मुसलमानों के बीच में भी एक कास्ट सेंसस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, स्पेशली होना चाहिए, ऐसी डिमांड है। ये जो खास तौर से जिन मुद्दों से और जिन मुद्दों से के अगर रास्ते निकले और जिन मुद्दों पे अगर वर्कआउट हो, तो उससे बेनिफिट होगा पिछड़े तबकात के लोगों को, और इसका बेनिफिट बिहार में अभी हमें देखने को मिला। बिहार में जब नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसर कराया तो ओबीसी 62% हो गया, तो 62% जो ओबीसी है वो अकेले नहीं है, उसमें 18% मुसलमान भी शामिल है। अच्छा, तो मतलब ये है कि फिर जब अगर समूह में मुसलमानों को लड़ने की जरूरत है, सेग्रीगेट होके लड़ने की जरूरत, समूह से मतलब क्या है? समूह क्या एक मुस्लिम पहचान के बतौर लड़ना चाहिए, या कि उनको जो उनको पायदान मिला है ओबीसी या उसका जो भी मिला है? मुसलमानों के अंदर खासतौर से अगर हम बात करें, तो एक तरफ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आइडेंटिटी है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, दूसरी तरफ हम जिस रिलीजन की प्रैक्टिस करते हैं उसकी भी आइडेंटिटी है। जिसे आपने क्या आइडेंटिटी के बुनियाद पर मैं अपने को मुसलमान मानता हूँ, मोमिन मानता हूँ। क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अंदर ओबीसी प्रकोष्ठ, एससी प्रकोष्ठ या इस तरह से कुछ बनाया गया है? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अंदर ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं बनाया गया है, बल्कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तमाम जैसे हजारों की तादाद में मुस्लिम तंजीमें हैं, वो खालिस मुस्लिम तंजीमें हैं, उसके फाउंडर मेंबर, उसमें काम करने वाले एक्टिविस्ट मेंबर, उसके मीटिंगों में पार्टिसिपेट करने वाले खालिस मुस्लिम होते हैं, और खालिस मुस्लिम तंजीमों के हमने नतीजे देखे हैं। इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में 60% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग काम करते हैं और 40% ओबीसी एससी एसटी के। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में जो पसमांदा मुस्लिम समाज है उसकी भागीदारी कितनी है, उसके नेतृत्व में और उसका जो संख्या बल है? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में हम उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के एम एंड ऑब्जेक्टिव पर काम करने के लिए जहनी अतबार से और अपने अमली अतबार से तैयार होते हैं। नहीं, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेतृत्व में
अपर कास्ट मतलब जनरल कितने है कि रेशियो, और जो है जो पसमांदा समाज है वहां से कितना रेशियो उसके राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अंदर। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के एम एंड ऑब्जेक्टिव है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का बाइलाज है, उस बाइलाज के मुताबिक जो काम करेंगे उनको हम जो है नेतृत्व देते हैं। यह रिजर्वेशन नहीं है, नेतृत्व में रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं, यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, आंदोलन में रिजर्वेशन नहीं, कमिटमेंट है। जो जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जितना ज्यादा कमिटमेंट है उसे मैं ऑब्जेक्टिव के लिए उसको हम लोग जिम्मेदारी देते हैं। जो नहीं ऑर्गेनाइजेशन के एम एंड ऑब्जेक्टिव के मुताबिक नहीं काम करता उसको जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, वो उसी उसी आपके आपका जो बायलॉज है उसके हिसाब से उसमें नेतृत्व में होंगे ही, लेकिन एक रेशियो फिर भी अगर हम जानना चाहें तो क्या रेशियो? कोई रेशियो हमने तय नहीं किया, कोई अंदाजा, कोई अनुमान, कोई ऐसा रेशियो नहीं तय किया गया। अच्छा, आपकी जो संख्या बल है, मेंबरशिप है, उसमें संख्यात्मक पसमांदा ही होगा। संख्यात्मक तौर पे देश में जिसकी आबादी ज्यादा होगी वो जो है संख्या के अनुपात में वो ज्यादा। मोहम्मद जी, जैसे समस्या तो यही है कि जैसे जिसकी आबादी है वो तो वोटर है, वो आबादी है, वो मेंबर है, लेकिन जो लीडरशिप है वो अपर कास्ट है। सभी जगह चाहे राजनीतिक दल हों कोई से भी, उनमें ये पोजीशन है। मुस्लिमों में भी जो नेतृत्वकारी निकाय है, चाहे वो खुद पर्सनल लॉ बोर्ड ही क्यों ना हो, उसकी लीडरशिप में भी अपर कास्ट ही मिलते हैं। हम राष्ट्रीय मुस्लिम तो आपके यहाँ के अंदर, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अंदर खास तौर से अपर कास्ट है बैकवर्ड है इस आधार पे नहीं जोड़ते। अपर कास्ट है बैकवर्ड है इस आधार पे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अंदर किसी को नहीं जोड़ते, बल्कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, जिन मुद्दों पे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा काम कर रहा है, उन मुद्दों पे जो काम करने के लिए तैयार है उनको हम मेंबरशिप देते हैं, उनको हम जो है पदाधिकारी बनाते हैं और उनको साथ में लेके काम करते हैं। क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने 341 हटाने और मुसलमानों के अंदर कास्ट सेंसस होने के लिए कोई रेजोल्यूशन, कोई प्रस्ताव पास किया है? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कास्ट सेंसर हो इसके लिए पिछड़े वर्ग के द्वारा जितने भी प्रोग्राम होते हैं, संचालित होते हैं, उस पर भारत बंद के भी कार्यक्रम में फिजिकली तौर पे सक्रिय तौर पे शामिल रहा है। 25 मई 2022 को पिछड़े वर्ग के द्वारा जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत बंद किया गया। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने उसका पूरी संगठन शक्ति के साथ समर्थन किया, क्योंकि कास्ट सेंसर से जिसकी जितनी संख्या है उस आबादी के मुताबिक उन्हें न्याय मिलेगा, भागीदारी मिलेगा। जैसे ये बात तो आप, क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो पिछड़ा वर्ग का है उसकी डिमांड को आपने सपोर्ट किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने अपने इंटरनल बॉडी के अंदर कोई दो ये क्या ये दो प्रस्ताव पास किए हैं कि कास्ट सेंसस मुसलमानों में होना चाहिए और 341 हटना चाहिए? इस पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं और पिछले 2-2.5 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। प्रस्ताव नहीं है ये आपका? इसके लिए अभी हमने कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया है। अच्छा, कब तक होने की उम्मीद है? जैसे आपका विचार तो है ही इस पर, जब हम कास्ट सेंसर का समर्थन कर रहे हैं तो इसमें जो है प्रस्ताव पारित करने और ना करने का कोई मामला ही नहीं। कास्ट सेंसर आप जनरल की बात कर रहे हैं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। सेग्रीगेट होके नहीं लड़ना चाहते, ठीक है? अगर हम एक तरफ कास्ट सेंसर की बात करें तो पार्टिकुलर मुस्लिम का कास्ट सेंसर हो, नहीं, जो जिस इशूज को आप बना रहे हैं, जिस इशूज को आप लाना चाहते हैं, जिस इशूज पे आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर उस डिस्कशन की बात करें तो उसमें पार्टिकुलर जो हम सेंसर के अगर समर्थन कर रहे हैं तो सेंसर में सेग्रीगेट होकर के मुसलमानों का कास्ट सेंसर हो, तो हम इस पर जो है ना कोई रिजोल्यूशन ना हमारा कोई एजेंडा है। हमारा एजेंडा है कि सभी का कास्ट सेंसर हो, सभी का कास्ट सेंसर होगा तो सभी के साथ जो है न्याय होगा। 341 तो आपका स्पेसिफिक एजेंडा है ना? स्पेसिफिक एजेंडा है कि उसमें जी खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड से निकल कर आए लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस हो, उनकी आइडेंटिफिकेशन को जो है समाप्त कर दिया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको खत्म कर दिया जाए, तो हम इसके खिलाफ हैं। मतलब उनमें एससी का दर्जा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इस बात का तो रेजोल्यूशन हो ही सकता है ना? इसका तो रेजोल्यूशन बिल्कुल तायद करते हैं, इस बात का तो प्रस्ताव पास हो सकता है? हो सकता है, करेंगे बिल्कुल, इन फ्यूचर में करेंगे।
जो भी मुद्दे जो है सोशल जस्टिस के लिए जरूरी होंगे, सामाजिक न्याय के लिए जरूरी होंगे, उन मुद्दों पे हम काम करें। कुल मिलाकर अगर 341 हट जाएगी तो मुस्लिमों में जो ऐसा समाज है उसको भी आरक्षण का लाभ मिल, बिल्कुल बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना, बिल्कुल बेनिफिट मिलना चाहिए, इसकी मैं तायद करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चांद मोहम्मद जी ने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। फ्रेंड बातों कहीं खास तौर पर उन्होंने 341 के मुद्दे पर उन्होंने स्पेसिफिक बात कही है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा 341 की धारा हटाने के पक्ष में है और वो चाहते हैं कि जो भी ऐसे समुदाय हैं जो कि शेड्यूल कास्ट में शामिल हो सकते हैं उनको उनको शामिल होना चाहिए और उनको लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का भी शेड्यूल कास्ट का। इसके अलावा उन्होंने कास्ट सेंसस का भी उन्होंने समर्थन किया है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन अभी वो एक जो मुस्लिम मोर्चा है वो एक अपनी धार्मिक आइडेंटिटी के बतौर वो काम करता है और वो तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाइयों में भागीदारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने। थैंक यू, शुक्रिया।